औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे। हम कर रहे हैं MTH101 की सीरीज, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 35। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक ग्रुप में, और लाजमी जो ना हर जगह पे हमारे लिंक को शेयर किया करें, और हमें फॉलो भी किया करें, और हमें बताया करें कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आते, और हमारे लिंक को, हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद करें। क्या करें कि अपने जूनियर्स को रिकमेंड करें, और अपने कैंपस में लाजमी लोगों को बताएँ, सबको, जूनियर्स को बताएँ कि यहाँ पर MTH के आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। 45 तक पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी MTH101 की। अदर में MTH भी इंशाल्लाह स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी कंप्लीट करने पहले ये कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। और ST301 की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी, वो भी आपको अपने जूनियर या सीनियर जो भी पढ़ रहे हैं ST301 उनको रिकमेंड करें लाजमी, ठीक है। और हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पे, लाजमी हमें फॉलो करें। चलें जी स्टार्ट करें। ट्विटर भी है साथ, ठीक है, सोशल मीडिया कहीं भी है, वो सारे के सारे में हमारे बने हुए हैं, तो हर जगह पे हमें फॉलो करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में पढ़ना क्या है? सबसे पहले लेक्चर में आपने पढ़ना है कि सिलेंड्रिकल शेल है ना, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली तो बात यह है कि सिलेंड्रिकल शेल कहते हैं किसे, देसी तरीके के साथ समझा देता हूँ। एक सिलेंडर पकड़ो, ठीक है ना, वो एक ना मिस्त्री के पास ले जाओ, दरमियान से काट दो, ठीक है, दरमियान से एक टुकड़ा निकालोगे ना, वो जो होगा ना वो सिलेंडर का शेल होता है, और वो ये पड़ा हुआ है, समझ लगे बात की, वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने बात करनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है कि आया कि उसके अंदर जो, मतलब कि आपने सिलेंडर के अंदर से जो टुकड़ा निकाला ना, उसका वॉल्यूम क्या आएगा। बस ये जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ना है, और पेपर में पूछा जा चुका है, वो क्या करता है, कैसे पेपर में देता है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चले स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले देखें वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैथमेटिकली पेपर में, मैथमेटिकली भी पेपर में पूछता है, वो बाय इंटीग्रल, बाय इंटीग्रेशन नहीं पूछता, बाय मैथमेटिकली फॉर्मूलाज के जरिए से भी पूछ लेता है, ठीक है ना। क्या करता है, हाइट दे देता है, रेडियस दे देता है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, वो बाई बड़ा सात या 3.1416 होती है, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करके आपने उसका वॉल्यूम निकाल देना। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम आपके पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये पूरे का जो एरिया है, जो दरमियान से निकाल रहा है, क्रॉस किया है, ठीक है ना, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जो उसकी हाइट है, ठीक है ना, एच। तो ये जो होता है ना, ये वॉल्यूम होता है, ये तो होगा सिंपल फॉर्मूला इसका, ये याद रखना है। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर आता क्या क्या है, हाइट, हाइट जो है ना वो कॉन्स्टेंट, हाइट आनी आनी है, ये देखें हाइट एच आ गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज है, देखो बेसिकली ये जो है ना, ये एक हाफ सर्कल की तरह है। हाफ सर्कल क्या होता है, पूरा सर्कल होता है आपके पास 360 डिग्री, और वो होता है 2π, कितना होता है 2π। अगर इसे 2π डिवाइड कर दिया जाए, 2π डिवाइड कर दिया जाए, तो वो आएगा पाई, क्या आएगा पाई, लें ये वो आ गया, ठीक है पाई, समझ लग रही है बात की। बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि सर पहले मैथ आता नहीं था, जब से आपके लेक्चर ले रहे हैं तो मैथ आता नहीं है, इंशाल्लाह हम पास भी कर जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर आपको दिखाएंगे। तो बहुत मेहरबानी है, बहुत ज़बरदस्त है, आपके माँ बाप खुश होंगे अगर आप अच्छे नंबर लेंगे। चलें जी, ये आ गया पाई, और ये क्या बीमारी है, R2 + R1, ये बड़ा क्या है, ये बेसिकली ये radius 1 है, ये radius 2 है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, क्या कर देना है, इनको दोनों को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है। तो ये देखो जरा क्या आ गया, R2 + R1 (R2 - R1), ये क्या बीमारी आ गई, अब ये बेसिकली थीकनेस होती है, क्या होती है ये थीकनेस, मतलब क्या थीकनेस का पता ना, क्या होती है चौड़ाई, ठीक है, किसी चीज़ की। ये देखो ये बुक है ना मेरे पास, ये वाली ये बुक है, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है ना, ये क्या है इसकी थिकनेस, जितनी ये मोटी है, मोटाई, ठीक है, समझ लगे, वो फेट वाली मोटाई नहीं, ठीक है। तो देखो जरा R2 - R1 इसकी थिकनेस, ठीक है, इसकी थिकनेस देख लेनी है, R2 - R1 कर लेना है, तो इनटू हाइट वही आ गया, समझ लगी बात की। तो ये क्लियर कर दिया, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये 2π बन गया, और ये देखो R2 + R1 / 2, देखे भाई दो चीज़ें दोनों ऐड हो रही हैं, 2π डिवाइड हो रही हैं, तो क्या निकल रहा है एवरेज, क्या निकल रहा है एवरेज। तो देखो ज़रा फिर इसकी जगह में सारी पे क्या आ गया एवरेज, 2π वैसे ही आ गया, हाइट आ गया, और ये थिकनेस आ गई, मैंने पहले बता दिया आपको, समझ लग रही बात की। चलें स्टार्ट करते हैं, फिर देखो जरा v = 2π,
एवरेज रेडियस, रेडियस की एवरेज, आगे एच हाइट आ गई, आगे थिकनेस आर टू माइनस आर वन आ गया। समझ लगी बात की? ये इस तरह फॉर्मूला बना हुआ है, इस तरह आपके पीडीएफ में लिखा है, याद रखना। ओके चलें स्टार्ट करते हैं जी। इंटेग्रल फॉर्म में, इंटेग्रल फॉर्म में इसी को कैसे डिफाइन करेंगे? टू पाई ए से बी लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये टू पाई कॉन्स्टेंट है, अंदर भी ले जाओ कोई मसला नहीं है, ये भी आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। यू अंडरस्टैंड ना? आई होप आपको समझ लगी होगी। लेक्चर को इंजॉय करके पढ़ना है, लेक्चर को एंजॉय करके पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। समझ लगी बात की? इस तरह ही आपने लेक्चर को तैयार करना है जैसे मैंने आपको करवाया है, ठीक है। और पेपर में क्विज़ कैसे आते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। पेपर में क्विज़ ऐसे आते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि आप सिलेंडर के शेल का वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए उसने आपको क्या दिया होगा? याद रखना, हाइट दी होगी, आर वन और आर टू दिया होगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना, या ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से जोन सा मर्जी कर लेना। या एक बात याद रखना, या तो ये चीज़ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया होगा और हाइट दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, वॉल्यूम निकल आएगा। या फिर देखो एवरेज ऑफ रेडियस दिया होगा, हाइट दी होगी, थिकनेस दी होगी, तीनों को मल्टीप्लाई करके टू पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इंटेग्रल फॉर्म में कैसे दिया होगा? एक फंक्शन दिया होगा, उसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसे इंटीग्रेट करना है, उसकी लिमिट दी होगी, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। समझ लगी बात की? सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके इस तरह आपने तैयार करना है इस लेक्चर को। ओके सिलेंडर शेल का वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करना है, ये आपने चीज़ें करनी है जी। अगर आगे देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, पेज नंबर है आपके पास 233। यूज सिलेंडर शेल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रीजन अनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, और उसकी आगे लिमिट दी गई है x की, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, एंड द x एक्सिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट द y एक्सिस। याद रखना है, ठीक है ना? समझ लगी बात की? कि x एक्सिस पे रिवॉल्व हो रही है अबाउट दी y एक्सिस पे, तो डेफिनेशन में भी ये मैंने क्लियर करवा दिया था आपको, ये ऊपर डेफिनेशन है वो भी आपने देख लेनी है, उसके बीच में भी ये चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि आप क्या करोगे, x एक्सिस के रिवॉल्व कर रही है अबाउट y एक्सिस के, ये वो, ठीक है ना? ये आपने गो थ्रू कर लेना, ये मैंने आपको सारा पहले ही आपको क्लियर करवा दिया, समझा दिया, बता दिया, ठीक है ना? तो देखो ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन है जी y इक्वल टू स्क्वायर रूट x है ना, तो लिमिट आपके पास है विद x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 है, तो लेट कर लेना f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x, वी नो डैट, फॉर्मूला लगाना है। अच्छा देखो, आपके पास फंक्शन दिया गया है और फंक्शन के बाद साथ उसके लिमिट भी दी है, तो आपने इंटेग्रल फॉर्म में इसका वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर शेल का। ओके चलें जी, तो देखो ज़रा, 2 पाई x एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, वो स्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, x वैसे का वैसे ही आ गया और स्क्वायर रूट x फंक्शन की वैल्यू थी, तो इसका मतलब होता है 1 बाई 2 और x की पावर 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास एलसीएम आएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बड़ा 2। समझ लगी बात की? तो 2 पाई कॉन्स्टेंट था, वो स्टार्ट पे चला गया। अब देखो पावर में एक ऐड कर देना, वही आपने पावर जो होगी ना वही आपने डिवाइड कर देनी है, ठीक है ना? प्लस एड, प्लस वन ऐड करने के बाद, ये याद रखना है, ठीक है ना? तो ये देखो जरा, एलसीएम लोगे क्या आएगा, 2 एकम 2 और बटा 2, फिर 2 एकम 2 बटा 2, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है ना? ऊपर नीचे दोनों का 5/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/5 और x की पावर 5/2 वैसे ही आ जाएगी। लिमिट लगाओ, 4 की पावर जो है ना 5/2 है, माइनस 1 की पावर 5/2 है, तो देखो जरा, अब 4 की पावर 5 वैसे ही लिख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2, देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5/2 आ जाएगा। समझ लग रही बात की? तो 4 की पावर 5 मैंने लिख दी, वो एक तो आर कितना बन जाएगा, 24, और 1/2 वैसे ही साथ आ गया, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, जजर स्केयर रूट, वो मैंने वैसे लिख दिया, एक तो आर 24 का आप स्केयर रूट लेके देखो, ठीक है ना? 1024 का आप स्केयर रूट लेके देखोगे तो वो आएगा 32, माइनस 1 वैसे ही आ रहा है, ठीक है ना? माइनस 1 लोअर लिमिट वैसे ही आ रही साथ, तो दोनों को माइनस करोगे 31 आ गया, 31 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 124/5। यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको लेक्चर की समय लगी होगी, इसी एग्जांपल की समय लगी होगी। आगे हम देखते हैं जी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है कि एक एग्जाम्पल है जिसमें एक थोड़ी सी उसने क्या लगाई है, एक ना मतलब कि आपके लिए एक शर्त रख दी है कि आपने किस तरह आपने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, यूज सिलेंडर का शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हेन रीजन आर इन द
फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बिटवीन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है आपके पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास है एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, और दिस मीन ये ओरिजिन आपके पास है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी यहाँ से टर्मिनल आर्म पे, और यहाँ पे देखे ज़रा यहाँ पे वाई के भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी कर्व्स जो है ना दोनों की दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके आंसर पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है ना। ये एक शर्त आपने उसने रखी है। दूसरी उसने लिखा है कि आप यूज़ करो सिलेंड्रिकल शेल को, यूज़ करते हुए आप क्या करो इन दोनों कर्व्स को क्या करो कंबाइन करो, और सिलेंड्रिकल शेल को यूज़ करते हुए आप वॉल्यूम निकालो, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों कर्व्स को वन और टू का नाम दे लेता हूँ। और एक और बात याद रखना है, यहाँ पे लिमिट कोई गिवन नहीं दी गई, तो लिमिट आपने पहले निकालनी है, सिंपल सी बात है, पहले लिमिट निकालनी है आपने। तो लिमिट निकालने का तरीका कार क्या है, पहले आप वन और टू दोनों कर्व्स को नाम दे दो, वन और टू का, बाय कंपेयरिंग वन एंड टू। तो देखो ज़रा वन ये और टू ये, ठीक है, ये उधर उठा के इधर ले गया, क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया एक्स को, एक्स कॉमन आ गया, और एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिया, वन जगह प्लस हो गया और एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, लिमिट आ गई जीरो से वन, ठीक है। अब पहली कर्व को मैंने वाई वन इक्वल टू एक्स कह दिया, दूसरी कर्व को वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह दिया, तो इट मीन कि ये वाई वन है तो एफ वन हो जाएगा और वाई टू है तो एफ टू हो जाएगा, ठीक है ना। वी नो डैट 2 पाई एक्स एफ ऑफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, समझ आ गई बात की। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एफ वन माइनस एफ ऑफ टू आ गया है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो आपने क्या करना है, 2 पाई एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स है और इस जनाब की वैल्यू जो है ना एक्स स्क्वायर है, यू अंडरस्टैंड। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई बाहर निकाल दो, कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया। अब थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी एक्स की पावर 3/3, और x की पावर 3 की इंटीग्रेशन जो आएगी x की पावर 4/4, मतलब पावर में एक ऐड कर देना है, जो पावर में ऐड करना है वो पावर पूरी उठा के बटे में आपने डिवाइड कर देनी है, ठीक है ना। तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके आनी है, अपर लिमिट लगाओगे यहाँ पे x x है, वहाँ पे आप 1/1 लगा दोगे, अब लोअर लगाओगे तो जीरो, सारा जीरो, सारी जीरो हो जाएगी, तो 1/3 1 नहीं आएगी, 1/4 1 नहीं आएगी, 1/3 1/4, इसे करो इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसे करो इसके साथ, और इन दोनों को आपस में करो, मतलब कि आप इसका एलसीएम लो, उसको ऑफ कर लो, ठीक है ना। तो 4 × 4 3 × 3 3 × 4 12, ओके, 4 − 3 1 आ गया, 1/12, 2 × 2 2 × 6 12, तो ये आ गया 1/6, तो ये आ गया 5/6, यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समय लगी होगी, जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं ना, जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं वो सारे के सारे आपके क्विजेज हैं इस लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर, उसके पिछले लेक्चर्स के अंदर, मतलब कि आप फॉर्मूलाज लाजमी कर लीजिएगा। और दूसरा एड टू डैट एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ना एक और वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, ये वीडियो काफ़ी देर की बनाई हुई है पिछले साल की, तो उसमें मैंने ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखवाए हैं, दिए हुए हैं उसमें, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी नहीं है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कि आप 24 घंटों के अंदर ना 24 घंटों के अंदर मेरे लेक्चर सुन लें सारे जितने भी हैं, मतलब कि 1 से लेकर 45 तक 24 घंटों के अंदर सुन लो सारे लेक्चर्स, तो यकीन करो कि आप पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, ना कि मतलब के बुरे नंबर आएंगे, मतलब आप बड़े अच्छे नंबरों के साथ, बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाओगे, और बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ आपको चैलेंज करके कहता हूँ, समझ लगी बात की, जितना अच्छा मैंने पढ़ाया है, ओके क्लियर है ना। और एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताई है, ना कि आपको डायरेक्ट बताई है कि ये मतलब डायरेक्ट ये इसका आंसर ये आ गया, मतलब मैंने एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके पॉइंट आपको बताया है, और ये मैं मतलब एक्सप्लेन करके बताता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब सपोर्ट करने की कोशिश करो, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपकी मेहरबानी है, इसमें हमारा हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।